दे बस बहुत पी लिया, थोड़ा सा बचा है। मैं पीऊं, मैं नया स्टैंड सीखा है। ये देखो पागल पागल पागल। अरे अरे अरे, और रचिता आपको पता है 4 बजे अपने गाने के शूट से वापस आए। टाइम आ गया भाई मेरे को। हाँ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैंने आज पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया, उसका भी रीजन मैं बताऊंगी। अभी कितना टाइम हो रहा है, रचित? 4 बजने वाले हैं गाइस। मैं आज के अपने पूरे दिन घर पे थी, अभी वापस गुड़गांव आई हूँ और मैंने घर पे भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। बेटू, ये कौन लेकर आया तुम्हारे लिए? बुआ। किसने दिलाया ये? अच्छे से बोलो, किसने दिलाया? बुआ ने। तो पिला दे थोड़ा सा बुआ को। दे दे बेटा, प्लीज प्लीज। दे नहीं रही है, ये सब क्या भी रही है, बुआ ने दिलाया। दे दे प्लीज, बुआ ने दिलाया ना, तो फिर दे दे थोड़ा सा बुआ को। दे दे बेटा, गंदी बात। दे 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 दो प्लीज। एक्टिंग कैसे कर रही है चिया? ये सुन नहीं रही, मतलब जैसे ऐसे कर रही है। चिया क्या होता है? ये मोगो मोगो पिला मुझे। दे दे, कैसे नहीं देगी? दे दे दे। किसने दिलाया ये? हाँ, मुंह से निकाल के बोल। अब बोल किसने दिलाया? बुआ ने। तो दे फिर बुआ को पिला थोड़ा सा। दे, दांत में पकड़ रखा है इसने, टूट गया दांत। बदतमीज। दे बस बहुत पी लिया, थोड़ा सा बचा है। मैं पीऊं, मैं क्या हो गया? ले लिया। अच्छा ले ले, अच्छा दिखा ले, बस चुप। देख 2 सेकंड में चुप। वाह, 2 सेकंड में चुप। छीन लूंगी प्यार से, दे दे अब। देख देख कैसे कंप्लेन कर रही है। मेरी बेटी का ले लिया मैंने, अब मैं पीऊंगी। ताली ये बता किसने दिलाया? ले फिर। और रचिता आपको पता है 4 बजे अपने गाने के शूट से वापस आए। टाइम आ गया भाई मेरे को। हाँ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। गाइस 4 बजे और रचित इस टाइम वापस आया है घर पे, सिर्फ कपड़े चेंज करने। गाने के शूट पे मैं अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन अभी अभी ना इनका बाहर थोड़ा सा सीन रह रहा है। अब मेरे को शूट देखना था, शूट पे अवेलेबल रहना था, पर मैं नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता रचित का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसने सोचा है, गाने की एक्साइटमेंट क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं भाई गाने की क्लिप या शूटिंग कुछ भी अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि पहले ही सब कुछ रिवील करना अच्छा नहीं लगता ना, कुछ सरप्राइज भी तो होना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अभी रचित के शूट पे देखने कि भाई शूट रचित का कैसे होता है कैसे नहीं। और गाइस, रचित के साथ जो फीमेल का कैरेक्टर है वो कर रही है, कैरेक्टर क्या मतलब कर रही है, जो कि मेरी दोस्त है अहाना। आप सबने देख लिया होगा, रचित ने ब्लॉग में ऑफकोर्स दिखा दिया होगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं घर पे थी। और मैं क्यों थी वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी सब लोग निकल रहे हैं, एक बार सबकी आपको शक्लें दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये देखो रचित को देखो, इतना ज्यादा बिजी है कि पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, कुछ इसको मिल ही नहीं रहा है इतनी जल्दबाजी में। आराम से शांत दिमाग से सोच लो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पता नहीं मुझे। और भाई मिक्की सारे दिन घर पे था, इसको पता चला कि रचित आ रहा है, रचित भैया आ रहे हैं। दीदी दीदी मैं भी जाऊंगा, टी शर्ट चेंज कर ली 2 मिनट में। और ये पिंकू, पिंकू देखना ऐसा लग रहा है कि गाने में तो तू ही है। रचित भैया के साथ फोटो खिंचवानी है, अभी खिंचवा लियो, जा रहे हैं ना हम लोकेशन पे, वहाँ पे खिंचवा लियो। ठीक है, जो कपड़े तूने पहने थे ना वो भी सही लग रहे थे, जो तू 2 मिनट में दूल्हे की तरह सज गया है। तू रचित जैसा ही है स्मार्ट। कह रहा है मुझे रचित भैया जैसा स्मार्ट दिखना है। और भाई ऋतिक को नहीं दिखाया मैंने सुबह से, ये रहा अपना ऋतिक। भाई अभी हम यहीं आए हैं जहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे शूट है रचित का, लेकिन ये अभी डर रहे हैं। ये देखो आ नहीं रहे, देखो भाग कैसे रहे हैं। और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये है? ये रही अपनी लाडो, लाडो के साथ क्या लिपट चिपट रहे हो तुम? ओ भाई विनय बाबू, क्या हो गई हालत, हो गई खस्ता? पता चला कैसे होता है गाने का शूट? मैं तो पहले से पता है।
पता है ना, नया थोड़ी हूँ इंडस्ट्री में। ओके ठीक है। सही कर रहा था ना। अच्छा था ना शिवम की बारी। अरे रहने दो, ये वाला स्टेप बहुत अच्छा था, ये रचित को सिखा। अरे ये तो डांसर है ना, ये तो डांसर है सच्ची में, बहुत अच्छा किया ये, बहुत अच्छा था ये। तो भाई ये देखो, ये देखो पिंकू ने नया स्टंट सीखा है। ये देखो ये देखो ये देखो, देखो पागल पागल पागल। अरे 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 बस रुक जा, थम जा थम जा थम जा। अरे टी शर्ट ऊपर हो गई इसकी, खट्टी टॉफी खा ली क्या? खट्टी टॉफी। गाइस तो सुबह हो चुकी है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मेरा जो 2-3 दिन से शूट चल रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीच में घर पे चली गई थी, रात में रचित के शूट पे चली गई थी और अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मैंने, ये मेरी जो कटिंग हो रखी है ना, ये मेरे रियल बाल नहीं है, ये मैंने बैंग लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं यही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। तो मेरे को थोड़ा किडिश कैरेक्टर करना था तो फिर मैंने ये वाला लुक ले लिया। कैसा लग रहा है ये वाला लुक नीचे कॉमेंट में बता देना। और मैं यार कल रात में घर गई थी, मैंने घर पे किसी का भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं ब्लॉग ब्लॉग नहीं बना पाई और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी। तो आज शूट पे बनाऊंगी ब्लॉग। और ये देखो मेरा छोटा भाई, ये भी रेडी हो चुका है कच्छा पहन के। कह रहे दीदी नहा लिया, कह रहे दीदी मैं तो इसी में हैंडसम लगता हूँ और इसी में शूट करूँगा अब मैं। सो गाइज आज जाके मेरा शूट कम्प्लीट हुआ है और अभी जो है 8:30 बज चुके हैं, नहीं शायद 9 बजने वाले हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, आपको पता है मेरा फिक्स टाइम है, तो कमेंट करके बता दें मैं कहाँ जा रही हूँ। ये क्या बताओगे कमेंट करके, तो ब्लॉगिंग करूँगी देख लोगे। तो जा रही हूँ भाई अपने बच्चों को दूध देने। मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में ऐसे मैं जा नहीं सकती थी, बस मेकअप धोना है, सिंदूर भी नहीं हटाया हमेशा, आजकल कई दिनों से यही प्रोसेस मेरा चल रहा है। तो मैंने दूध ले लिया है और आज हमारे पास वही टियागो है, टियागो लेके जाएंगे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ रचित के शूट पे गई हुई हैं। कल से व्लॉग स्टार्ट किया था और आज अगला दिन लग गया, पर बिजी इतना हूँ मैं यार, क्या करूँ, आ जाओ। सो गाइस हम पहुँच गए हैं अपने पपीज की लोकेशन पे। अभी मुझे लगता है अब बाहर ही निकलना पड़ता है तभी पहचानते हैं, पहले तो एक्सयूवी लेके आती थी, अब ये लेके जाती हूँ। चलो देखें, यहीं से बुलाऊंगी, आवाज लगाती हूँ। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आओ, कहाँ गए? आ गए, देखो भागे भागे आ रहे। आ जाओ आ जाओ, अरे यहाँ गया। आज तो भैया लेट हो गया भाई आज, देखो दो आ रहे, कहाँ गए दोनों? आ जाओ, दूसरा कहाँ गया, तीसरा किसी आपके, आ जाओ फिर जब आप हटोगे तब आएगा, डर रहा है वो। गाइस ये ना बच्चे बहुत डर रहे हैं, इनका डेली क्या है अभी तक इनको आदत नहीं पड़ी है, तो मैं दूध डाल के हट जाती हूँ, अब आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। आ जाओ भाई, दूर आ गए हैं हम, तब भी नहीं पी रहे हैं, एक पी रहा है और एक पास आ रहा है भाई। इनका मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे पास भी आना है और छूने भी नहीं देना है। किधर चला तू, किधर? सो गाइस ये देखो क्या है, मैं घर गई थी, मैंने ये अपने लिए कुछ फुटवेयर लिए थे पर मैं दिखा नहीं पाई थी, बहुत जल्दबाजी में थी, तो थोड़े बहुत है मैं दिखा देती हूँ। ये देखो ये है हील्स, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी। ये वाइट नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये वाइट है, पर ये ना थोड़ी क्रीमिश है। ये देख, तेरे लिए नए टॉयज आए हैं, सारे फाड़ दियो ठीक है। तो भाई इंस्टा मेरी सारी हील्स और सारे मैंने पहन के देखा था, बहुत सुंदर लग रहे थे और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इंस्टू सच में नहीं फाड़ना, अगर आप रेट पूछोगे कि दीदी आप इतने के लिए, तो ये आपको मुझे मैसेज कर देना, कॉमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। और गाइस ये मैंने लिया था, ये ऐसे रेगुलर पहनने के लिए, मेरे ना पैरों में दर्द रहता है, तो इसमें जो बीच का पार्ट है ना वो थोड़ा ऊंचा है और आगे और पीछे जहाँ पे पंजे और एड़ियाँ रहती है ना वहाँ पे नीचे है, तो इससे पैरों में रिलीफ मिलता है। तो मेरे पास घर में पहनने के लिए तो बहुत स्लीपर थी, बट मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं होता था, तो एक मैंने ये भी ले लिया। इसका भी प्राइस बता दूंगी क्या है,
बस पूछोगे तो बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी कि क्या प्राइस है, बट हाँ ये बोलूंगी कि बहुत ही सस्ते में मिले हैं मुझे, बहुत सस्ते में। और ऐसा नहीं है कि सस्ते के चक्कर में लिया है मैंने, कंफर्टेबल थे ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ले लिया। और ये भाई मैंने लिया है वाइट कलर के शूज़, मेरे पास ना वाइट थे बट वो ना गंदे हो गए थे और कहीं कहीं से फट गए थे, तो ये मैंने वाइट कलर के शूज़ ले लिए। ये देखो, ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये हर ड्रेस पे चल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और एक बार फिर बोल रही हूँ, प्राइस अगर जानना है तो ये भी पूछ लेना कि कितने के लिए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने Q&A के आपके आंसर नहीं दिए हैं, तो आज फटाफट 2-3 Q&A के आंसर दे देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज किए, विश किया, मेरे को बधाइयाँ दी कि मैं मौसी बन गई। यार अभी अभी सो के उठी हूँ, तो प्लीज़ शक्ल देख के जज मत करना और ऐसे कमेंट्स मत करना, दीदी मुंह तो धो लेते, दीदी मेकअप तो कर लेते, दीदी कॉम तो कर लेते। और रचित ये देखो, रचित ये रहा, अभी आके फटाफट रिप्लाई दे रही हूँ मैं। पहला कमेंट है वंदना का, सिब्बू दी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप रचित के साथ ही क्यों वीडियो बनाते हो, प्लीज रिप्लाई। ऐसा है कि आपको तो पता ही है हम लोग एक टीम में साथ काम करते हैं, मैं रचित विनय, तो हमारे पास इतना खुद का ही काम होता है, मेरे को अपना शूट करना होता है, फिर मैं बाहर अदर यूट्यूबर्स के साथ इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाद फिर रचित का करती हूँ जिसमें भी मेरा सीन होता है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं बाहर किसी और के साथ भी काम कर सकूँ। हाँ मेरा मन करता है कि यार मैं करूँ, कोलैब करूँ, ये करूँ, पर यार लिटरली टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। नेक्स्ट कमेंट किसी यूजर आईडी से है, सिब्बू दीदी लाडो के साथ फोटो अपलोड करो। तो फोटो अपलोड करूंगी मैं, अभी इन दिनों मैं शूट में बिजी थी अपने, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी पिक्स वगैरह क्लिक करवाने का टाइम नहीं मिला, और ऊपर से रचित के सॉन्ग का भी शूट हो रहा था, तो रचित का ये खुद का गाना है, वैसे तो इसने कर रखा है, हम दोनों ने कर रखा है, इसने अलग से भी कर रखा है रचित ने, तो वो था कि हमने किसी और के म्यूजिक वीडियो में एक्ट किया था, लेकिन ये रचित का अपना खुद का गाना आ रहा है। तो भाई शूट तो मैंने देखा, पूरे शूट पे तो अवेलेबल नहीं रह पाई थी, एक दो सीन मैंने देखा था, जितना भी देखा था बहुत अमेजिंग शूट हो रहा था और काफी बड़ा प्रोडक्शन था, तो मजा आ गया मेरे को तो शूट देखने में। हालांकि मैं क्लिप वगैरह अपलोड नहीं कर सकती उसकी शूट से पहले की, थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है ना, तो इसलिए। तो लेकिन जब भी ये गाना आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, सॉन्ग जब भी एकदम रेडी हो जाएगा ना, तो अपडेट तो आपको ब्लॉग के थ्रू मिल जाएगी, मैं दूं या ना दूं रचित तो दे ही देगा देखो। और नेक्स्ट कमेंट है सोनू कुमार का, सिब्बू दी अगली वीडियो दिवाली की आएगी क्या? सिब्बू दी बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो दिवाली की आएगी या किसी और की, ये चीज तो आपको कमेंट करके बताना है ना, मुझे तो पता ही है कि किस चीज की आएगी, तो ज्यादा नहीं 2 या 3 दिन में 2 दिन में भी आ सकती है वीडियो। और यार मेरे फेस पे बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मार्क्स हो गए हैं, प्लीज इग्नोर करना। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और तबीयत पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुई है, बट हाँ पहले से बेटर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है। आप गेट विल सून के इतने मैसेज कर रहे हो ना कि सच में उन मैसेज से मेरे को असर हो गया, काम नहीं रुक रहा, काम तो कर ही रही हूँ। और अभी मैं ये वीडियो अपलोड करके घर जाऊंगी, तो घर पे आपको बेबी से भी मिलवाऊंगी और बहन से भी मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी। बाय बाय, लव यू।